वहीं झांसी में हाथ ठेले से मरीज को लेकर तीमारदार अस्पताल पहुंचा। मरीज को लेकर ठेले पर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां कस्बा गुरसराय का इरफान खान अपनी मां का इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय पहुंचा था। इरफान खान ने बताया कि चार पहिए के ठेले पर उसकी मां है, जो वृद्ध होने के कारण बीमार है, जिनका इलाज कराने में वो असमर्थ था और अस्पताल लेकर आया है। जब इरफान से चार पहिए के ठेले पर मां को लाने का कारण पूछा गया तो उसने बताया, वो भी आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, मां को लेकर आए इरफान ने बताया कि उसे पता ही नहीं कि एम्बुलेंस की 108 भी कोई सुविधा है। अब ऐसे में सवालिया निशान उन जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें शासन की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलती है और योजनाओं को जिम्मेदार जन जन तक पहुंचाने का दावा करते हैं। उन दावों की पोल खोलती है तस्वीर पर नजर डालिए, जहां हाथ ठेले पर अपनी मां को अस्पताल लाने वाला वीडियो साफ तौर पर चीख चीख कर अपनी गवाही दे रहा है। देखो प्रदेश के मुखिया, देखो कैसे आपके द्वारा गरीबों तक पहुंचाने वाली योजनाओं को कागजों में दम तोड़ दिया जा रहा है और निचले स्तर पर शासन की योजनाओं के बारे में लोगों को पता तक नहीं है। इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए सरकार बहा चुकी है। बावजूद इसके ये खबर शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाले अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्या आपका? इरफान खान। कहाँ के निवासी हो? मोहल्ला पायरा गुरसराय। आज ये कौन है, आपकी माताजी है कौन है? हमारी माताजी है। क्या हो गया इन्हें, कहाँ लाए आप? इनके पैर हाथों में सूजन है तो हम सरकारी अस्पताल ले आए दिखाने। ठेला से आप क्यों लाए, क्या वजह रही ठेला से लाने की जो आप ठेला से लाए? हमको बैंक जाना था तो बैंक में अब टैक्सी करते तो खर्चा आता, तो हमने बैंक गए तो उनकी पेंशन निकाल के ले आए। कर हमने जब मिश्रा के दिखाया तो मिश्रा बोले भाई जी सरकारी अस्पताल ले जाओ, तो है ही हम सरकारी। क्या दिक्कत थी ने, क्या समस्या थी? इनकी सूजन है, बार बार लेटिंग लग रही और पेट में दर्द है। सरकारी एम्बुलेंस भी आती है जो 108 नंबर होता लगाने पर, तो आपने बोर्डा लिंक किया कि आप उसके बारे में जानते नहीं है? हम उसके बारे में जानते नहीं है। तो आपको जानकारी नहीं है कि 108 एम्बुलेंस होती है? ठीक है,